इंसान का जीवन और एहसास, खुशियां, दुख और सुख सब इंसान के कर्मों का फल होता है। लेकिन इस बात को भी हम नहीं भूल सकते कि जीवन की कठिनाइयों, मुश्किलों और सफलता प्रसन्नता के पीछे कुछ ना कुछ हमारे ग्रहों और नक्षत्रों का योग होता है। क्या होता है नक्षत्रों का विज्ञान, क्या होता है हवन का रहस्य और वास्तु का ज्ञान कितना जरूरी होता है, हम चर्चा करेंगे आज के न्यूज की विशेष प्रस्तुति एस्ट्रो महर्षि में। हमारे साथ हैं विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर और वास्तुकार अरुण महर्षि जी। महर्षि अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे मघा नक्षत्र के बारे में, क्योंकि नक्षत्रों पर हमारी चर्चा लगातार जारी है और आज बारी है मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र क्या होता है और मघा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है वो जातक कैसे होते हैं? प्रिय दर्शकों, आज का नक्षत्र है मघा। आज मैं बताऊंगा मघा नक्षत्र के बारे में। मघा नक्षत्र में जन्मे जातकों का नाम अक्षर मा, मी, मू, मे से शुरू होता है। इन अक्षरों की राशि सिंह होती है। इस नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी केतु होता है। इस नक्षत्र के जातक अपना जीवन केतु की महादशा से शुरू आरंभ करते हैं। बिल्कुल, तो मघा नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं। मघा नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म होता है उनका स्वभाव कैसा होता है, उनके गुण कैसे होते हैं? मघा नक्षत्र में जन्मे जातक यदि आप पुरुष हैं तो आप रहस्यमयी, कामुक, निष्कपट, परोपकारी, सम्मानित, विद्वान, स्त्री वश में रहने वाले, दूसरों के धन पर अधिकार जमाने वाले एवं उच्च अभिलाषी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध बहुत जल्दी आता है। आप घमंडी, मुंहफट एवं जल्दबाज होते हैं। सरकारी एवं निजी क्षेत्रों के संगठन में विश्वासपूर्ण पदों पर सुशोभित होने वाले एवं ईश्वर भक्त, व्रत पूजा पाठ में रुचि रखने वाले भी होते हैं। निर्भीक, साहसी एवं अच्छे खिलाड़ी होते हैं। संदेह बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए व्यर्थ के विवादों में खामाखा पड़े रहते हैं। बड़े बूढ़े की सेवा एवं अपने उत्तरदायित्व को ये खुद बखूबी से समझते हैं। नेता, अभिनेता वे अच्छे जासूस होते हैं जी। इस जन्म में जातक जो जन्म लेता है मघा नक्षत्र में, यदि वो स्त्री है तो स्वभाव से पतिव्रता, धार्मिक विचार वाली, उद्यमी एवं पैरों परोपकार करने वाली होती है। पति उच्च अधिकारी होता है या उद्योगपति होता है एवं साधन संपन्न। ऐसी स्त्रियां नौकर चाकर से युक्त एवं अपना उत्तरदायित्व निभाने वाली होती हैं। संदेह, आलस्य एवं जल्दबाजी के कारण इन्हें हानि एवं दुख उठाना पड़ता है जी। ये तो गुण और स्वभाव की बात आपने कर ली महर्षि जी। स्वभाव ऐसा होता है स्त्री पुरुष में इस जातक के। इन जातकों को कौन सा प्रोफेशन अपनाना चाहिए, किस व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए? इस नक्षत्र के जातकों को जो प्रोफेशन चूज करना चाहिए या हो सकता है वो खिलाड़ी, जनसंपर्क अधिकारी, सूचना विभाग, जासूस, ठेकेदार, दवा निर्माता, फौजदारी वकील, सेना, सर्जन, चिकित्सा विभाग, पुलिस विभाग, तांत्रिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बनाने वाले, केमिस्ट, चर्म रोग, सरकार द्वारा सम्मानित होते हैं, सुरक्षा गार्ड, सरकारी कर्मचारी, रिसर्च पीपल्स, रक्षा सेवा, आयुध शास्त्र निर्माण करने वाले या विक्रय करने वाले, लघु उद्योग के स्वामी एवं सलाहकार संबंधी कार्यों करके अपना जीवन सफलता सहित यापन करते हैं। बिल्कुल, तो ये व्यवसाय ऐसे जातक अपना सकते हैं। अगर रोगों की बात करें महर्षि जी, तो कौन से रोग इन जातकों को हो सकते हैं, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को ज्यादातर सिर दर्द, शरीर में अक्सर दर्द रहना, ज्वर, स्पंदन, पीठ में दर्द, पागलपन, ऊपरी हवा, भूत प्रेत पीड़ा, मूर्छा,
बिना कारण हंसना, मनोरोग व विष पीड़ा, हृदय रोग से भी ये पीड़ित हो सकते हैं। मेरुरज्जू की झिल्ली में सूजन आना, किडनी में अक्सर पथरी की प्रॉब्लम होती रहती है एवं त्रिदोष आदि के रोग इनको अक्सर पाए जाते हैं। तो इन इन रोगों से अलर्ट होने की जरूरत है इन जातकों को। महर्षि जी, रोगों से इन रोगों से बचने के क्या उपाय होते हैं? क्या जड़ी बूटी के हिसाब से, जी ज्योतिष के हिसाब से इन जी, रोगों का कोई उपाय भी है? प्रिय दर्शकों, जो जातक मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनको रोगों से मुक्ति के लिए भृंगराज की जड़ी को लाल धागे में लपेटकर इस नक्षत्र के मंत्र से अवमंत्रित करके, हवन के द्वारा अवमंत्रित करके अपनी राइट हैंड की बाजू में बांधना चाहिए। उससे आपको इन रोगों से मुक्ति मिलेगी, अपनी और छोटी मोटी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। मैंने हमेशा ही जीवन की सभी समस्याओं के निदान के लिए सभी व्यक्तियों को हवन की तरफ प्रेरित किया है। इस जड़ी को हवन के द्वारा अवमंत्रित करके यदि वो अपने बाजू में बांधेंगे तो उनको इसकी उनकी पर्सनल समस्या, अपने रोगों से उनको मुक्ति मिलेगी। यानी कि अभिमंत्रित किया जाना बेहद जी, जरूरी बहुत है। जरूरी है हवन के द्वारा। जी बिल्कुल। और अब हम महर्षि जी से जानेंगे हवन की महत्वता के बारे में। हवन कितना जरूरी है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए हवन की क्या उपयोगिता है? महर्षि जी, हवन कितना महत्व हमारे जीवन के लिए रखता है? देखिए, मैं आपको हवन के बारे में बता दूं, जैसा मैं बताता आ रहा हूं रोज। हवन का मूल शब्द हा है, जिसका संस्कृत भाषा में अर्थ भेंट होता है। अनंत काल से ही हवन को आने वाले खतरों, व्यक्तिगत सफलता और भाग्योदय के लिए किया जाता है। प्राचीन ग्रंथ इस बात का विवरण देते हैं कि हवन की उत्पत्ति भगवान श्री ब्रह्मा द्वारा मनुष्य की भलाई और इच्छा पूर्ति के लिए की गई थी। हवन हमारे द्वारा इस जन्म पुनर्जन्म में की गई गलतियों के निराकरण का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। जातक द्वारा करवाया गया हवन उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर जातक को मानसिक शांति, अच्छा स्वास्थ्य और सारे भौतिक सुख प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जन्म से ही उस पर तीन ऋण होते हैं, पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण। उपरोक्त तीनों ऋणों से मुक्ति के लिए भी गीता में हवन को ही सबसे कारगर धार्मिक अनुष्ठान बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण हवन की महत्वता को बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति नित्य प्रति हवन नहीं करता है उसे आज के भौतिक सुखों का कोई अधिकार नहीं है। जी। इसी प्रकार विष्णु पुराण ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक सुख, आत्मिक शांति एवं पारिवारिक सुख इत्यादि चाहता है तो हवन द्वारा प्रभु के आह्वान से बेहतर कोई उपाय नहीं होता है। प्राचीन काल से ही राजा अपनी शक्ति, साम्राज्य एवं प्राकृतिक आपदाओं के निदान के लिए यज्ञ किया करते थे। जैसे राजा जनक द्वारा करवाए गए हवन से उनके राज्य में अकाल की स्थिति को बदलकर वर्षा की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार भगवान श्री राम के जन्म से पहले उनके पिता राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु हवन करवाया था, उसके पश्चात ही भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम का भी अपने पुत्रों से प्रथम मिलन अश्वमेध यज्ञ के दौरान ही हुआ। वर्तमान में भी हवन को इच्छा पूर्ति, संतान प्राप्ति, भौतिक सुख, कोर्ट केस में विजय प्राप्त करना उसके लिए एवं अपनी हर समस्या के समाधान के लिए ज्योतिष में इसको कारगर उपाय माना गया है। जी। जब हम हवन के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको हवन की नियमितता एवं हवन में अग्नि का क्या महत्व है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये ब्रह्मांड पंच तत्वों से बना हुआ है। हमारा शरीर भी पांच तत्वों का पुतला है। कहा जाता है कि हमारे शरीर के अंदर अग्नि दो प्रकार से विद्यमान होती है। पहली है जठराग्नि, जिसको हम डाइजेस्टिव फायर इन बॉडी कहते हैं, एवं दूसरी है भूताग्नि, जिसको इंटरनल स्पिरिचुअल फायर इन बॉडी कहते हैं। ज्यादातर मनुष्यों में जठराग्नि का प्रभाव बहुत ज्यादा और भूताग्नि का प्रभाव बहुत कम होता है। इसलिए हवन की अग्नि द्वारा
देवी देवताओं का आह्वान किया अपहन होता है। वैदिक काल से ही अग्नि को देवताओं का प्रमुख माना गया है। ऋग्वेद का प्रथम श्लोक भी अग्नि को समर्पित है। स्वाति जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हवन में नियमितता अथवा रोजाना हवन की कितनी आवश्यकता है, इसको आप इस प्रकार से समझ सकती हैं कि यदि ढेर सारे पकवानों से भरी हुई थाली किसी व्यक्ति के सामने रख दी जाए तब भी उसका पेट सिर्फ एक बार ही भरता है और अगले ही पहर उसे फिर भूख का एहसास होने लगता है। इसी प्रकार कभी कभार किया गया हवन जातक को पूर्ण रूप से अलौकिक और भौतिक सुख नहीं देते हैं। दिनचर्या में हमारे द्वारा अनगिनत गलतियां, हमसे पाप एवं जीवाणुओं का नाश होता रहता है। इन्हीं गलतियों की क्षमा याचना हेतु हवन के महत्व को बताया गया है। दैनिक हवन न केवल क्षमा याचना अपितु जातक के जीवन भर के भौतिक, आध्यात्मिक और सांसारिक सुखों की प्राप्ति का स्रोत है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मघा नक्षत्र पर, वास्तु से संबंधित चीजों पर भी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं महर्षि जी से। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से। महर्षि जी, आपसे ये जानना चाहेंगे ज्योतिष और हवन में क्या संबंध होता है? प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल से ही वैदिक हवन को सबसे शक्तिशाली और कारगर ज्योतिष उपाय माना गया है। जैसे कोई दवाई किसी बीमारी के लिए काम करती है, उसी प्रकार किसी भी पारंगत विद्वान द्वारा किया गया विधिवत विधान हवन जातक की समस्या निदान में आश्चर्यचकित परिणाम देता है। आपने देखा होगा कि जब भी मनुष्य किसी समस्या या संकट में होता है तब वो किसी देवी शक्ति को अपनी मदद के लिए जरूर पुकारता है। अब आप मुझे बताएं कि क्या हवन से बेहतर कोई उपाय हो सकता है? हवन से हम अपने आराध्य का आह्वान कर सकते हैं या नहीं? जी। मेरा अपना पिछले 30 साल का अनुभव है कि हम अपने परमपिता परमेश्वर का हवन द्वारा आह्वान कर अपनी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। स्वाति जी, हवन के महत्व को मैं और मेरा अनुभव ही नहीं बल्कि ऋषि मुनि भी युगों युगों से बताते चले आ रहे हैं। हवन से रोगों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। हवन को हमेशा से अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति, सुख संपदा की प्राप्ति के लिए भी किया जा सकता है। हवन से सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जी, भौतिक सुखों को अगर हमें प्राप्त करना है तो हवन हमें करना होगा, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आप इसे कितना कल्याणकारी मानते हैं? आप हमारे दर्शकों को भी ये बात बताएं कि कितना कल्याणकारी होता है हवन हमारे लिए। भौतिक सुख अगर हमें प्राप्त करने हैं तो हवन कितना जरूरी है? देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए हवन सर्वश्रेष्ठ धार्मिक अनुष्ठान है। विधि विधान से किया गया हवन व्यक्ति को न सिर्फ भौतिक सुख अपितु आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करता है। हवन द्वारा भगवान के आह्वान से जातक को किसी भी प्रकार की भौतिक कमी जीवन भर नहीं होती है। प्राचीन काल से ही राजा महाराजा अपनी इच्छा पूर्ति हेतु यज्ञ करते थे। उदाहरण के तौर पर लक्ष्मी कुबेर हवन उनको धन धान्य और संपदा प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता था। इसी तरह उनको विजय पाने के लिए दुर्गा के हवन राजा महाराजा किया करते थे। ये उसके लाभ हैं और लोगों को डेफिनेटली हवन करने से काफी लाभ मिलता है। बिल्कुल महर्षि जी, एंड अल्टीमेट मिरेकल हवन के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, ये लोगों के लिए किस तरह से लाभकारी है? देखिए, हम एक ट्रस्ट चलाते हैं, एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो गोकुल महावन मथुरा पावन नगरी में स्थित है। वहां पर हम जो भी जातक, जो भी व्यक्ति हमसे संपर्क करता है अपनी समस्या को लेकर, हम उसकी कुंडली का विस्तृत अध्ययन करने के बाद, उसके नक्षत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद उस जातक को, उस व्यक्ति को उपाय स्वरूप हम हवन बताते हैं। ये हवन आपके लिए हमारी कर्मस्थली गोकुल महावन पावन नगरी मथुरा में किए जाते हैं। हवन के प्रारंभ से पहले हमारे विद्वान पंडितों द्वारा उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति के परिवार का संकल्प लिया जाता है। संकल्प एक प्रकार की शपथ है जो हमारे विद्वान पंडित आपके लिए भगवान को समर्पित करते हैं, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जाता है कि यह हवन किसके नाम से
और किस कारण से किया जा रहा है। यह हवन किसके नाम से और किस कारण से किया जा रहा है। हमारे संस्था द्वारा किया गया हर हवन जातक के जीवन से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही हमारी संस्था के द्वारा किया गया हवन व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में भी बहुत योगदान प्रदान करता है। अगर आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं, आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपके व्यापार में तकलीफ है, तो आप स्वयं भी आकर हमारी संस्था में हवन में आहुति देना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हमारी कर्मस्थली गोकुल महावन मथुरा एंड अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट, उसमें आकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, जानकारी के लिए हम अपने दर्शकों को तमाम नंबर भी दे रहे हैं और इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। हमें ये विश्वास है कि जो आपकी दिक्कतें हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, वो दूर होंगी। एस्ट्रो महर्षि आपकी समस्याओं को जरूर दूर करेंगे। एंड अल्टीमेट मिरेकल हवन का हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर कई हवन होते हैं, कौन कौन से हवन आपकी संस्था करवाती है महर्षि जी? हमारी संस्था है एन अल्टीमेट मिरेकल फाउंडेशन ट्रस्ट, जो गोकुल महावन मथुरा में स्थित है। हमारी संस्था के द्वारा इन रूटीन नवग्रह शांति हवन जी, ग्रह शांति हवन, महामृत्युंजय हवन, धन्वंतरी हवन, दुर्गा हवन, चंडी हवन, गणपति हवन, लक्ष्मी कुबेर हवन, वास्तु दोषों के लिए वास्तु हवन, विद्या की प्रॉब्लम के लिए विद्या हवन, माँ सरस्वती का हवन एवं पितृऋण, देवऋण और ऋषि ऋण के लिए भी हवन करते हैं, जो हर व्यक्ति को इन तीनों ऋणों के लिए हवन करवाना चाहिए। हमारी कर्म भूमि गोकुल महावन मथुरा में हमारी ट्रस्ट कराती है। तो महर्षि जी ने बताया ये हवन वहां पर होते हैं, और अब हम महर्षि जी से जानेंगे ये दुर्गा हवन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। महर्षि जी, ये दुर्गा हवन क्या होता है? दुर्गा सप्तशती हवन माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और देवी माँ की असीम शक्ति और आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। इस हवन को सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति एवं सुखों की अभिलाषा के लिए किया जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली हवन माना गया है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों के अनुसार लोगों के जीवन में दोषों और बाधाओं को हटाने के लिए यह हवन अविश्वसनीय परिणाम देता है। एन अल्टीमेट मिरेकल हवन माँ दुर्गा के बीज मंत्र ओम एंग क्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे के उच्चारण के द्वारा माँ के आशीर्वाद एवं अनुकंपा का आह्वान करता है। जातक को इस हवन से अत्यधिक शक्ति एवं भौतिक सुखों का लाभ मिलता है। इस हवन के विशेषता यह है कि यह व्यक्ति जीवन में हो रही सारे परेशानियों का उपाय है। इस हवन से व्यक्ति को आ रही थकान भी दूर हो जाती है। इस व्यक्ति को, जिन व्यक्तियों को नींद की परेशानी हो, जिन व्यक्तियों को कोर्ट केसेस की परेशानी हो, उनको इस मंत्र से इसका हवन, माँ दुर्गा का हवन करना चाहिए। नवरात्रों में यह हवन बहुत ही लाभकारी है। जो व्यक्ति नवरात्रे जब आते हैं, दो नवरात्रे होते हैं जी। उनमें यदि इस मंत्र का हवन करेंगे तो आपको बहुत सारी सफलताओं का आपको सफलताएं मिलेंगी जी। और आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि स्वास्थ्य वास्तु दोषों को किस तरह से दूर करता है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका स्वागत है, और महर्षि जी से हम लगातार जान रहे हैं कि किस तरह से स्वास्थ्य हमारे वास्तु दोषों को दूर करता है, कितना फायदेमंद है स्वास्थ्य आपके लिए, महर्षि जी से जानेंगे। और महर्षि जी, अब बारी है आज के वास्तु टिप्स की, हमारे दर्शकों को आज के वास्तु टिप्स बताइए। दर्शकों, मैं रोज आपसे सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप्स की बात कर रहा था, आज मैं आपको बताऊंगा आपके वास्तु दोष कैसे दूर हों। छोटे छोटे उपाय के द्वारा आपके वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको हमारे एनर्जाइज पिरामिड के बारे में बताने जा रहा हूं। ये स्वास्तिक जिन घरों में प्रॉब्लम होती है, जिनके घर टी जंक्शन पे होते हैं, जिनका घर डेड एंड में होता है, गली के लास्ट कोने में, डेड एंड मतलब लास्ट कोना, लास्ट जिनका घर है, उनको इस स्वास्तिक को दरवाजे के लेफ्ट में, राइट में और दरवाजे के सेंटर में लगाना चाहिए। ये स्वास्तिक हमारी संस्था से आपको एनर्जाइज स्वास्तिक मिलते हैं। आप फोन नंबर पर संपर्क करके इन स्वास्तिक को मंगा सकते हैं।
एक घर में तीन स्वास्तिक लगाने से उस दोष से मुक्ति मिलती है। जिनका घर टी जंक्शन पे हो, जिनका घर गली के डेड एंड पे हो, उनको इस स्वास्तिक का यूज करने से इस सारे वास्तु दोषों का दोष दूर होते हैं। साथ में जिनका घर टी जंक्शन पे है, बाजार में एक पाकवा मिरर मिलता है जिसको पाकवा मिरर कहते हैं, उसको भी बीच में लगा सकते हैं। उसके साथ साथ ये स्वास्तिक रामबाण काम करेंगे। ये तीन स्वास्तिक, एक घर में तीन स्वास्तिक, एक लेफ्ट में, एक राइट में, एक दरवाजे के सेंटर में लगाने से उस दोष का दमन होता है। ये स्वास्तिक एनर्जाइज स्वास्तिक हैं जो आपको हमारी संस्था से आपको प्राप्त हो सकते हैं। ये बाजार में नहीं मिलते हैं। इस स्वास्तिक को लगाने से घर के डेड एंड का दोष, टी जंक्शन का दोष ये समाप्त होता है। वैसे इन स्वास्तिकों को आप अपने घर के अंदर, किचन के बाहर भी लगा सकते हैं। आपने देखा होगा लोग बाग रोली से स्वास्तिक बनाते हैं, दिवाली पे पूजन पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। आप इसको फेविकोल से या बोथ साइडेड टेप से कहीं पर भी चिपका सकते हैं। ऐसे ही बेडरूम के बाहर लगा सकते हैं। लेकिन दोष जहां है वहां ये रामबाण काम करता है। अदरवाइज पॉजिटिविटी तो देता ही है, लेकिन जहां दोष है वहां इस स्वास्थ्य का रामबाण उपाय। तो महर्षि जी, आज आपके न्यूज आए और हमारे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज श्री अरुण महर्षि ने हमें हवन और उसके महत्व के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और महर्षि जी से जानेंगे कि जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत।